बंधु, आज का यह जो प्रसंग है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। मित्रों, स्त्रियों पर विश्वास करना गलत बात नहीं है, विश्वास करना भी चाहिए, परंतु आंख बंद कर नहीं, क्योंकि वही पत्नियां जो देवी स्वरूप प्राण से भी प्यारी होती हैं, वही वक्त बुरा आने पर प्राण की भूखी हो जाती हैं। मित्रों, आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी की ओर ले चलते हैं। बंधु, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। पत्नी थोड़ा स्वभाव से चंचल थी, जिसके कारण ब्राह्मण के पारिवारिक लोगों में उसकी बनती नहीं थी। परिवार में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन की इस कलह से तंग होकर सोचने लगा कि रोज रोज की इस कलह से बेहतर है कि कहीं परदेश में ही रहना अच्छा रहेगा, कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यही सोचकर वो ब्राह्मणी को लेकर परदेश के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण वे दोनों बहुत थक गए थे। ब्राह्मणी को प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु वह जब जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी को मृत देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन आरंभ करने परदेश के लिए जा रहा था, तूने उसके ही प्राण हर लिए, कृपा कर भगवान मेरी पत्नी में पुनः प्राण डाल दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वह उठकर खड़ी हो जाएगी। ब्राह्मण ने भगवान के बताए अनुसार कर दिया, ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों पुनः अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते वे दोनों एक नगर के समीप पहुंचे। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को एक कुएं के पास बिठा दिया और वह स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करके लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बातें करते हुए ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से थोड़ा दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब वे फिर से यात्रा पर निकले तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से निवेदन किया कि स्वामी, इस लंगड़े को भी अपने साथ ले चलो, जब भी तुम कहीं चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ, यदि यह मेरे साथ रहेगा तो अकेलापन दूर हो जाएगा और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना ही सामान उठाने में कठिनाई हो रही है तो हम इस लंगड़े आदमी का भार कैसे उठा पाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे अपने पिटारे में रख लेंगे। अंततः ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात को मानना ही पड़ा। यात्रा के दौरान जैसे ही ब्राह्मणी और उस लंगड़े को मौका मिला, उन्होंने ब्राह्मण को एक कुएं में धकेल दिया। उन दोनों ने समझा कि ब्राह्मण मर चुका है, हालांकि वह मरा नहीं था। उसे मरा समझकर वे दोनों नगर की ओर आगे बढ़े। नगर के प्रवेश द्वार पर राजा के सैनिक खड़े हुए थे। सैनिकों ने ब्राह्मणी का पिटारा खोला तो उन्हें उसमें एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। फिर ब्राह्मणी और उस लंगड़े को राजा के सामने पेश किया गया। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने बताया कि यह मेरा पति है, हम अपने पारिवारिक कलह से परेशान होकर यहाँ रहने आए हैं। तब राजा ने उन दोनों को अपने राज्य में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण उसी राज्य में एक दिन पहुंच गया जहां वो ब्राह्मणी और लंगड़ा रहता था। जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो राजा से कहने लगी, राजन, यह मेरे पति का पुराना वैरी है, यह मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है। राजा ने ब्राह्मण को मारने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, इस महिला ने मुझसे कुछ लिया है, उसे मुझे वापस दिला दीजिए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, देवी, तुमने जो कुछ भी इनसे लिया है उसे फिर से वापस लौटा दो। ब्राह्मणी ने कहा, राजन, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कुछ लिया ही नहीं। ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तुमने मेरा आधा जीवन लिया है, सभी देवता इसके साक्षी। ब्राह्मणी भगवान के डर से अपने जीवन का वो हिस्सा देने को वादा किया, परंतु जैसे ही उसने अपना वचन दिया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। तब ब्राह्मण ने सारी कहानी महाराज को बता दिया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और सम्मान पूर्वक अपने दरबार में रहने का आदेश दे दिया और उस लंगड़े को धुतकारते हुए अपने राज्य से बाहर भगा दिया। दोस्तों, धोखा देने और विश्वासघात करने वालों को उसका बुरा परिणाम भुगतना तय है, इसीलिए हो सके तो जीवन में कभी ये दो काम मत करना मेरे दोस्त, एक झूठे इंसान से प्रेम और दूसरा सच्चे इंसान से गेम।